चलो जी, द वर्ड इज एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ। एक बात तो कंफर्म, जिंदगी हवा के बिना तो नहीं हो सकती। एक सिंपल सी लाइन है, द लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एटमोसफेयर। देखो, लाइफ एटमोसफेयर के बिना हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटमोसफेयर। देखो भैया, देखो रोल ऑफ एटमोसफेयर क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ एटमोसफेयर। ओके, द वर्ड इज रोल ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का क्या, एटमोसफेयर का क्या? तो देखो सुनो, सिंपल सी कहानी है, एटमोसफेयर का बहुत बड़ा रोल है। ये रोल नहीं कि इसमें हवा है और उस हवा से हम सांस लेते, नहीं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लाइमेट कंट्रोल। देखो भैया, एयर किसमें हेल्प करती है, क्लाइमेट कंट्रोल। एक एक करके यूजेस से स्टार्ट करेंगे। पहली गैस ऑक्सीजन गैस। कोई तुमसे पूछे भी ऑक्सीजन गैस का यूज क्या, तो उसको कहना ऑक्सीजन गैस का यूज क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मदद करती है। एंड कंबशन, और आग लगती है तो किसी गैस की वजह से, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड कंबशन, सांस लेने में और कंबशन, आग लगाने में। सेकेंड वर्ड क्या कहता है हमने ऑक्सीजन गैस के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बहुत जरूरी यूज होता है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेकार गैस होती है, नहीं बेटा नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये गैस। क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स इन अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली, बिना प्लांट्स के मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और ये प्लांट्स का खाना बनाने में हेल्पफुल है, तो ऑफ कोर्स इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तीसरी मेजर गैस कौन सी होती है, अगर ये गैस नहीं होती तो हर चीज आपस में रिएक्ट कर जाती, ये बेंच और डस्टर आपस में रिएक्ट, ये भैया ये देखो, ये घड़ी की स्ट्रैप और मेरा हाथ, सब रिएक्ट कर जाते, नहीं तो ऑक्सीजन हर जगह आग लगा देती। पर नाइट्रोजन कैसा रिएक्ट एटमॉस्फेयर बनाती है, नाइट्रोजन फॉर्म्स अ एटमॉस्फेयर व्हिच इज अल्टीमेटली अ नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर, इसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं होते। सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ लेस रिएक्टिव बड़ा काम नहीं होता है। CO2 टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करती है, CO2 एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप कर देती है, CO2 क्या करती है, एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप करती है, ध्यान से समझो। एनवायरमेंट में हीट एंटर करे, हीट एंटर करेगी टकराकर वापस चली जाएगी, रिपीटिंग द लाइन, हीट आई टकराई टकराकर वापस ना चली जाए, सारी की सारी चली जाएगी तो भैया चारों तरफ ठंडी ठंड हो जाएगी। इसीलिए सम हीट इज ट्रैप्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुछ हीट ट्रैप्ड आउट हो जाती है। देखो भैया, इसीलिए ये ट्रैपिंग में हेल्प करता है। दूसरा वर्ड क्या आता है मेरा बेटो, द सेकेंड मोस्ट इजिएस्ट और द इजी टू रिमेम्बर वर्ड इज द वर्ड, व्हाट इज द वर्ड व्हिच इज नोन एज। देखो, ऐसी जगह जहां पर एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द मून। देखो भैया, अगर मैं मून की तरह बात करूं, देखो एट मून वेयर एटमोस्फेयर इज एब्सेंट, मून पर जहां पर एटमोस्फेयर एब्सेंट है, वहां पर ग्रेट टेम्परेचर कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता है उस टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। एंड नाइट टेम्परेचर कितना होता है बेटा, -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, उससे 190 डिग्री और नीचे आ जाए,
दैट इज -190°C। ये टेम्परेचर है मून का दिन में और रात में, कितना डिफरेंस है अपने अर्थ पे, इतना डिफरेंस नहीं होता ड्यू टू एटमोस्फेयर। तो भैया एट मून एटमोस्फेयर इज एब्सेंट, सो डे टेम्परेचर इज दिस एंड नाइट टेम्परेचर इज दिस। और अर्थ के अंदर क्या होता है बेटा, अर्थ के अंदर क्या होता है, एटमोस्फेयर क्या करता है, अर्थ में एटमोस्फेयर है, सो एटमोस्फेयर डू नॉट लेट द अर्थ हीट और कूल। सो देखो एटमोस्फेयर अर्थ को इतनी जल्दी गर्म या ठंडा होने नहीं देगा। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, जहां पर एटमोस्फेयर नहीं है बेटू मून पे, वहां पे दिन में टेम्परेचर 110 और रात में टेम्परेचर -190°C। बट फॉर अ प्लेस लाइक अर्थ वेयर एटमोस्फेयर इज प्रेजेंट, देखो भैया जो अर्थ होती है वहां पर क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है दिन में भी और रात में भी, ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऐसा अर्थ के अंदर एटमोस्फेयर है, वो एटमोस्फेयर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर क्या करती है हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, हवा गर्म चलने लग जाती है, जैसे गर्मी होती है लू चलने लग जाती है, जैसे ठंड होती है ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, कूल ब्रीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि धरती ज्यादा गर्म नहीं होती है, हीट डिस्ट्रीब्यूट। इज इट ओके टू एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन।